अमेरिका से लौटे केतन कक्कर ने पिछले दिनों सलमान खान और उनके परिवार पर आरोप लगाया था। केतन ने कहा था कि उन्हें पनवेल स्थित फार्म हाउस के पड़ोस की जमीन पर घर नहीं बनाने देना चाहते, इसीलिए उन्हें परेशान कर रहे हैं। पनवेल के वाजापुर में बने सलमान के फार्म हाउस को लेकर अब नया विवाद सामने आया है। एक खबर के मुताबिक महाराष्ट्र वन विभाग ने अर्पिता फार्म हाउस के एनवायरमेंटल ऑडिट के बाद खान फैमिली को शो कॉज नोटिस जारी किया है। 2003 में पनवेल के वाजापुर स्थित पूरे क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा चुका है, जिसके बाद यहां किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। अर्पिता फार्म्स पर सीमेंट कंक्रीट का निर्माण कर फॉरेस्ट एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा है। खान परिवार को वन विभाग के अधिकारी SS कापसे ने नोटिस दिया था, लेकिन 11 दिन के अंदर ही वाजापुर के कापसे का ट्रांसफर कर दिया गया। कापसे ने 9 जून 2018 को सलीम खान को लीगल नोटिस भेजा था, जिसके अनुसार निर्माण के बारे में 7 दिन के अंदर जवाब देना था। रिपोर्ट्स के अनुसार खान फैमिली ने संवेदनशील क्षेत्र में 9 और कंस्ट्रक्शन कराए हैं। नोटिस के अनुसार खान फैमिली पर इससे पहले भी 21 नवंबर 2017 को फॉरेस्ट एक्ट उल्लंघन का आरोप दर्ज किया जा चुका है। नोटिस में सलमान खान पर ये आरोप भी लगा है कि उन्होंने नियमितीकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को गुमराह किया। विभाग ने खान परिवार को चेतावनी देते हुए लिखा है कि नोटिस मिलने के बाद 7 दिन के अंदर आपको जो कहना है वो इस नोटिस जारी करने वाले के पास दर्ज करा दें। अगर आप तय अवधि में इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो माना जाएगा कि आपको इस विषय में कुछ नहीं कहना। इसके बाद आपके परिवार पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नोटिस सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के पते पर भेजा गया था। वन विभाग के कुछ अधिकारियों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के 3 अप्रैल 2017 के आदेश के मुताबिक निर्माणों को नियमित किया गया था। सलीम खान इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि वो और उनका परिवार सही समय आने पर ही इसका जवाब देंगे। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।